यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल. पहले राउंड में वही क्वेश्चन करना है जो सबसे पहले हो सकते हैं. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस नाइन वाई इक्वल टू एक्स. ऑर्डर डिग्री का एक क्वेश्चन हमेशा आता है. इसमें टू स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट वन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वन. बिल्कुल ठीक है, डिग्री वन ही है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं व्हेन फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शंस. तो इस बिल्कुल डिग्री वन है. द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो टू है, यानी बोथ स्टेटमेंट बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. राइट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. नोट कर लीजिए. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है. इफ टू वेरिएबल, ध्यान से सुनिएगा, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट. अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन जीरो होता है. राइट, क्योंकि एक दूसरे से जब वो इंडिपेंडेंट है तो उस समय कोरिलेशन हमेशा जीरो मिलेगा. परफेक्ट पॉजिटिव में वन, परफेक्ट नेगेटिव में. तो इतने सिंपल क्वेश्चंस भी देखिए आपके लिए आए हुए हैं एग्जाम में. आपको यह समझना है कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है. देन इसके बाद बात करते हैं टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है. प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करी हमने. टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए यूनियन बी इक्वल टू टू बाई थ्री, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वन बाय सिक्स. एक और कंडीशन गिवन है पी बी लेस देन पी ए. आपसे पूछा देन पी बी इक्वल टू पी बी क्या होगा. आप समझिएगा एक अच्छे से बात. वन बाय फोर, वन बाय थ्री, वन बाय टू, वन बाय सिक्स. राइट, अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है. और कंसेप्ट इसी को कैसे कंसेप्ट बनाए जाते हैं वो सिखाता हूँ. एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने से ये पी ए इन टू पी बी वन बाय सिक्स दिया है. राइट, अब आप देखिए दो, जब भी कभी पी ए और पी बी बोले गए और पी बी लेस देन पी ए, ये दो फैक्टर का मल्टीप्लाई वन बाय सिक्स किससे दिख रहा है आपको. दोनों आंसर दिए होते हैं तो एक यही फैक्टर है जिसका वन बाय सिक्स है. यानी एक इसमें पी ए और एक पी बी है. कौन सा पी ए? पी ए बड़ा है तो पी ए वन बाय टू है. पी बी कौन सा है? वन बाय थ्री है. अभी मेथड से भी समझाता हूं. ये 1 by 2 है, PB 1 by 3 क्योंकि PB less than PA है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 by 3. अब समझिएगा PA union B क्या होता है. PA union B होता है उसे, ये जब आप कॉन्सेप्ट बना के पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट को, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती. यही है दिस इक्वल टू 2 by 3. डायरेक्ट लिखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं लिखना है. PA plus PB minus of 1 by 6, यानी PA plus PB अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 plus 1 5 by 6. अब जरा आप इन दोनों को ऐड भी करिए. देखिए 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 दिस इज 5 बाय 6, यानी इस कंडीशन को भी वेरीफाई कर रहा है. कंप्लीट मेथड से करेंगे. थोड़ी देर के लिए इसे मान लीजिए पी ए की वैल्यू देखें हम, तो पी ए की वैल्यू 1 बाय 6 पी बी. ये यहां रख दीजिए, पी बी को चाहो तो x लिख लो. ये देखो x लिखा तो कितना हो जाएगा 1 बाय 6 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 5 बाय 6. एलसीएम लीजिए तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर बनाइए, एक वैल्यू आ गई 1 बाय 2, एक वैल्यू आ गई 1 बाय 3 जो हमने पहले ही बता दी. अब ये देना बहुत जरूरी था, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहता. तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1 बाय 3. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है. इफ टू फेयर डाइज आर रोल्ड देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाई लैंड ऑन 6 गिवन दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज इज 8. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है. सम ऑफ नंबर 8 कब होते हैं? जब 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2 होते हैं. अब आपको इस क्वेश्चन में बोला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का मैंने आपको लॉजिक बताया था. कंडीशन नीचे ले लीजिए. आपको बोला है इफ टू पेयर डाइज आर रोल्ड देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाई लैंड ऑन 6 गिवन दैट द सम ऑफ नंबर इज 8. तो सम ऑफ नंबर 8 के ये 5 केसेस बन गए. राइट, अब इन 5 केसेस को नीचे ले लीजिए. और फर्स्ट डाई क्या कर रहा है? शो 6. ऐसा कितनी जगह है? ऐसा कुल एक जगह है. देन दिस इज 1/5 इज अ राइट आंसर, क्योंकि बोला है कि गिवन दैट द सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 8 और फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए? 6. ऐसा एक ही केस है. राइट, तो करेक्ट आंसर होगा 1/5. सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए. नोट करिए. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिएगा. अगले क्वेश्चन में बोला है इन 8 थ्रो ऑफ अ डाइस, 8 थ्रो ऑफ अ डाइस, ओके,
फाइव और सिक्स कंसीडर अ सक्सेस, फाइव और सिक्स कंसीडर अ सक्सेस, तो फाइव और सिक्स की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 यानी 1/3, p 1/3 एंड q इज 2/3। अब क्या बोला है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस, मीन होता है np और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है npq रूट का, तो n इंटू पी, तो 8 × 1/3, दिस इज 8/3 और ये हो गया 8/3 इंटू क्यू और रख दीजिए 2/3, 16/9 मतलब 4/3, तो करेक्ट आंसर होगा 8/3, 4/3, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, पहले सारे सिंपल क्वेश्चंस करिए, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, अब देखिए सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल मतलब सम ऑफ एब्सिसा बाय 3, सम ऑफ ऑर्डिनेट बाय 3, सम ऑफ जेट बाय 3, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा एक चीज याद रखिएगा कि आपको एड, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, 5 − 3 − 4 एंड 2 − 3 − 2, जब आप ऐड करेंगे 2 + 5 = 7 + 2 = 9, 9 मतलब हो गया 3, एक्स का वैल्यू 3, −3 − 3 − 3 तो −3 ही मिलेगा, 3 − 3 एक ही ऑप्शन में है, खत्म हो गया बात, वैसे अब इसको ऐड करने में कोई देर नहीं लगती, −6 तो −3 तो −1, तो करेक्ट आंसर हुआ सेंट्रोइड का 3 − 3 − 1, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। फिर है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्पेयर का रेडियस बोला है, बिल्कुल सर्कल की तरह करना था, कोई चेंज नहीं होगा, रेडियस होता अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस, यहां पे जी नहीं होता, यू वी डब्ल्यू, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ऑफ डी, तो यहां हो जाएगा 9 + 16 + 25 − 1, राइट, ये भी 25, ये भी 25, 49 का हुआ 7, तो करेक्ट आंसर इज 7, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, इसके इंटरसेक्शन से जा रहा है 4x − 5y − 4z − 1 = 0 एंड द पॉइंट 3, 2, 1, सबसे पहले तो याद रखिए इक्वेशन तो यही होगी, बट मेथड पे जाना है कि नहीं ये डिपेंड करेगा ऑप्शन, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है पासिंग थ्रू में तो मत जाइए, जैसे अगर मैं ए को देखूं तो ए ये 10x − 2y + 2z = 28 रखिए, 30 − 4 + 2 = 32 − 4 = 28, ए तो कर रहा है, पर ए क्योंकि जब हम ऑप्शन से करेंगे तो हम मेथड पे बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें रॉन्ग ढूंढना, बी पे जाएंगे 10x + 2y, इस पे तो रख के ही नहीं देखना क्योंकि इसी का प्लस प्लस हो रहा है तो ये नहीं कर रहा, सी पे आए 10x + 2y − 2z = 28, यहां रखा 30 + 4 − 2 = 30, ये भी नहीं कर रहा है, डी पे आए 10x, ये भी −2y − 2z = 24, देखिए क्या हो जाएगा 30 − 4 − 2, ये कर रहा है, इसका मतलब या तो ए आंसर है या डी है, अब कौन सा होगा ये कंफर्म होगा 2 पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मेथड से कर लीजिए, कितनी देर लगेगी, आपने 3 रखा तो देखिए क्या हो जाएगा 6 + 2 + 2 − 9 यानी 10 − 9 यानी 1 मिला, और यहां लैम्डा के साथ रखिए 12 − 10 − 4 − 1 = 0, तो 1 + λ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा −15 − 15, तो ये मिलेगा −3 यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/3, यहीं की यहीं 1/3 रख दीजिए, जब 1/3 रखेंगे तो देखिए 6x + 4x, प्रॉब्लम कहां पर है, केवल इसके जेड वाले पे, तो आप जेड पे ही फोकस करिए, दोनों के ए और डी के जेड अलग हैं, ए और बी एक्स और वाई सेम है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती है, तो जेड देखिए इससे होगा 6z और इसका तो करोगे तो −4z, तो +2z आना चाहिए, तो +2z मतलब ए इज आर राइट आंसर, यही टेक्निक्स हैं जिसे मैं बोलता हूं। अब आप देखिए क्या हुआ, आपने लैम्डा निकाला, अब आपने लैम्डा रखा, अब ये टाइम जो किल होता है इसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए, अदरवाइज आपको यही सब चीजें डेवलप कर ली आपने तो कोई रीजन नहीं कि आपके अटेम्प्ट ना बढ़े। अब देखिए 6x + 3y + 6z − 27 + 4x − 5y − 4z − 1 = 0, अब इसको सॉल्व किया 6 and 4 10x − 2y + 2z
इक्वल टू 28, बट इतना भी टाइम अगर सेव करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल टू 0. अब ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन डायरेक्ट लिखेंगे 8x माइनस 4y प्लस 8z प्लस 21 इक्वल टू 0. डिस्टेंस इन पैरेलल प्लेन होता है d1 माइनस d2 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट दोनों के कोफिशियंट सेम होना चाहिए. तो ये 8 है, या तो इसमें 4 का डिवाइड करें या इसमें 2 का मल्टीप्लाई. बेटर है इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 18 हो गया. अब डायरेक्ट कर सकते हैं 21 माइनस 18 अपॉन 64 प्लस 16 प्लस 64, राइट. ये हो गया 80 प्लस 60 144, यानी 3/12 मीन्स 1/4. दिस इज द राइट आंसर. 1/4 इज अ राइट आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या बोला है. What are the direction cosine of z axis? Z axis के direction cosine क्या होंगे? Z पर 0 हो जाएगा angle, तो 1 हो जाएगा, तो 0, 0, 1. This is the right answer. Right? Note down this question.